एमसीबी जिले में नगर पालिका और नगर निगम में चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए हैं और चिरमिरी नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 22 और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में उपचुनाव है, जिसका मतदान 9 जनवरी को होगा। बता दें कि जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 22 और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में उपचुनाव के अंतिम दिन नामांकन भरने के लिए कांग्रेस और भाजपा के पार्षद के लिए दोनों ही पार्टी के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी अमित चंदेल के साथ भाजपा काफी संख्या में वरिष्ठ नेता भाजपा के और पदाधिकारी पहुंचे। यह उपचुनाव कांग्रेसियों के अंतर्कलह और कांग्रेसी गुटबाजी का परिणाम है। अभी भी कांग्रेस परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है और इसलिए जनता पर अनायास थोपा गया यह उपचुनाव। जनता समझ रही इस बात को, वार्ड के निवासी, वार्ड के जागरूक मतदाता इसका भरपूर जवाब देंगे कांग्रेस। वार्ड नंबर 3 का आज यहाँ पे नामांकन है और हम सभी नगर पालिका परिषद के और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आज यहाँ पे नामांकन भरवाने आए हैं। सपन महतो जी फॉर्म भरे हैं वार्ड नंबर 3 से और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी मतों से विजय होंगे। चिरमिरी में वार्ड नंबर 22 और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में परिस्थितिजन्य उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव हो रहे हैं और आज हम अपने प्रत्याशी, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सपन महतो जी के साथ यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आए थे और निश्चित है कि जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरीय निकायों के लिए काम किया है और जिस तरह से प्रगति लोगों को दिखी है, मनेन्द्रगढ़ को अगर देखें तो जिला बनाने की बात हो, यहाँ के नगर विकास की बात हो।